सो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो बहुत डिफरेंट वीडियो होने वाली है, जैसे वीडियोस मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ। और ये वीडियो का आइडिया मुझे इसलिए आया कि मैं अपलोड करूँ यूट्यूब पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि 3 दिन पहले ये वीडियो की थी और ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज़ होने वाले हैं इस पर। तो ये वीडियो इस रिगार्डिंग थी कि टॉप 5 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, और इस पर 10,000 के आसपास व्यूज़ आए हैं 3 दिन में। और आप देखो तो बाकी ट्रैप स्ट्रेटजी, लाइव ऑप्शन बाइंग, बाकी सभी ट्रेडिंग की वीडियोस से ज़्यादा व्यूज़ इस वीडियो पे आए हैं। तो इससे मुझे ये आइडिया तो मिल गया कि काफ़ी लोग ट्रेडिंग को ऑफकोर्स पसंद करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए भी कैपिटल चाहिए, और ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है तो वापस उस कैपिटल को डिप्लॉय करने के लिए डीमैट में फिर से पैसा चाहिए, और उसके लिए हमें और अर्निंग सोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो हो गई कि 5 ये आइडियाज़ हैं, इनके ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे 1 करोड़ रुपए तक आप बना सकते हो। आपसे नहीं, मतलब मैं बना सकता हूँ, आप बना सकते हो, आपके बाजू वाले भैया भी बना सकते हैं, बाजू वाली दीदी भी बना सकती हैं, सब बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे बना सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीका। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपकी मंथली इनकम इतनी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे भाई यार मंथली इनकम ही तो बनानी, और तू बोल रहा है कि मंथली इनकम होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे करना है। एफिलिएट वाली जो बात मैंने की थी, एफिलिएट मार्केटिंग, कैसे मैं पर्सनली 15 से 20 हज़ार रुपये बना रहा हूँ तो एफिलिएट से, और उसमें करना कुछ नहीं है, मुश्किल से मैं दिन के भी नहीं यार, मैं 2-3 दिन में 1 घंटा यूज़ करता हूँ, डेट सेट। ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे 15 से 20 हज़ार रुपये महीने के आप बना सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से, वो भी घर बैठे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि अगर आपको 1 करोड़ रुपये बनाने हैं, दैट इज़ कि आपकी जो इनकम है, जो भी आप महीने का पैसा कमा रहे हो, उसमें से आपको कुछ अमाउंट थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा। वो कितना, तो चलिए बात करते हैं अभी स्क्रीन पर देख के। तो देखो SIP कैलकुलेटर मैंने ओपन कर रखा है। अब SIP कैलकुलेटर में आपने बहुत फेमस जो 1 करोड़ वाला ज़रूर सुना होगा कि 15,000 रुपये हर महीने, 15% हर साल का ऑन एन एवरेज रिटर्न, और 15 सालों तक तो 1 करोड़ बन जाएगा। ऑफ कोर्स वो बन जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन 15,000 रुपये हर महीने हर किसी के लिए इम्प्लीमेंट करना, इन्वेस्ट करना इज़ टोटली नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं ऐसी वेज बताऊँगा, प्रैक्टिकल वेज, कि आप 15 से 20 हज़ार रुपये ऑफकोर्स बना सकते हो, 15-20 नहीं 25 भी बना सकते हो। तो मैं अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप 25,000 रुपये महीने भी बनाओगे, ठीक है, तो आप उसमें से 10,000 रुपये तो निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 10,000 रुपये निकाल सकते हो महीने के, आप जितना भी कमा रहे हो 10,000 रुपये महीने के पहले ही आप बचा लो कि यार ये 10,000 रुपये मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने अमाउंट लिया है 10,000 रुपये यहाँ, और अगले 15 सालों का टाइम लिया है। अब आपकी एज होगी 18 साल, 20 साल, 25 साल, तो देखो 20s की एज में हो तो अगले 35 तक का टारगेट है। अब आप बोलो भाई अगले 15 साल वेट करना पड़ेगा, तो देखो अभी से अगर किसी भी पेड़ को देखोगे भाई, तो पेड़ में अगर हम लगाते हैं, घर में कहीं भी लगाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो 5 महीने में ही इतना बरगद जैसा बड़ा हो जाता है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके लिए सालों साल लग जाते हैं, 5 साल 10 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी भाई ग्रोथ, अगर आपको फॉर्च्यून बनाना है, 1 करोड़ रुपीज़ कमाने हैं, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में 1 महीने में लोग बना लेते हैं, इतना जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे उतना वो 1 महीने में कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तरीका देखा जाए तो 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 1 लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दोगे। अब इन्वेस्ट कहाँ करोगे, ऑफकोर्स वो भी मैं बताऊंगा, म्यूचुअल फंड्स में नहीं करना है। नहीं तो बोलोगे यार म्यूचुअल फंड्स में डाल देंगे वो एवरेज रिटर्न, ये सब, वो सब नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में नहीं करना है, स्टॉक में ही करना है, मैं बताऊंगा। तो 10,000 रुपये आपने ले लिए, हर महीने आप डालोगे, गारंटी के साथ आप ये प्रॉमिस कर लो कि 10,000 रुपये आपकी सैलरी अमाउंट, जो भी आपको पैसा आता है, आप 10,000 रुपये 1 तारीख को, 21 को, 25 को, जब भी आपका मन हो, आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में 10,000 रुपये डाल दोगे, और ऐसा आपको अगले 15 सालों तक करना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज रिटर्न 20% लिया है मैंने, 20% मैंने कम ही लिया है वैसे तो, मैं ये बोलूँगा। अब आप ये लगेगा लोगों को कि यार 20% बहुत ज़्यादा लिया है, आप उल्टा कम बोल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ 2-3 स्टॉक, उन्होंने ऑन एन एवरेज 20 से 25 रिटर्न पिछले 5 से 6 सालों से वो कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, स्टेबल कंपनीज हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, आप लोग भी उनके नाम जानते होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं फिलहाल, ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर इसका हम कैलकुलेट करते हैं, 10,000 रुपये अगले 15 सालों तक, 20% ऑन एन एनुअल रिटर्न, यानी कि साल का 20%, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड अमाउंट हमारा निकल के आएगा, दैट इज़ 1.1 CR, यानी कि 1 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट आपके पास हो जाएगा अगले
15 साल में आप अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? सिर्फ 18 लाख रुपए। अब दिस इज द वंडर ऑफ कंपाउंडिंग स्टेटस, जो बोलते हैं ना कि कंपाउंडिंग क्या है, तो कंपाउंडिंग में यही चीज है। आपको देखो कि आपने इन्वेस्ट कितना किया है यहाँ पे, 18 लाख रुपए। आपने अपनी जेब से 18 लाख रुपए डाला, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको जो रिटर्न 20% मिला है अगले 15 साल तक, तो आपने उस पर प्रॉफिट कितना कमाया? 95 लाख रुपए। ठीक है, तो आपके 18 लाख रुपए बन गए हैं 1.1 CR। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फैंसी लग रहा है, तो क्या ये प्रैक्टिकल है? ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल है। मैं और एग्जांपल्स देके बताता हूँ। अगर आप 10,000 रुपये अगले 5 साल तक, अगर आपको लगेगा यार मेरी 25 एज हो गई है, मुझे 30 तक कुछ मेरा टारगेट है, तो आप चलो अगले 5 साल का टारगेट लोगे तो आपको 10 लाख रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, अब अमाउंट इतना कम है यार, आप बोल रहे थे 1 करोड़ से सीधा 10 लाख, तो टाइम भी कम है, ऑन एंड रिटर्न हम वही ले रहे हैं 20%, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स बनेगा। अगर आप अगले 8 साल लगते हो तो 23 लाख रुपए। अब आप सिंपल सी एक चीज़ देखो, आपको 15 साल रुपये लग रहे हैं, हम सभी को 15 साल रुपये लग रहे हैं 1.1 CR बनाने में, लेकिन अगले ही 3 साल में हमारा अमाउंट डबल हो रहा है। यानी कि 15 साल में हमें 1.1 CR मिल रहे हैं, लेकिन अगले 18 में यानी कि 3 साल बाद हमें सीधा 2.1, 1 करोड़ और मिल जाएगा। तो मतलब 15 साल में 1 करोड़ कमाया, लेकिन कंपाउंडिंग का जो असर देखो कि अगले 3 साल और दोगे तो वो 1 करोड़ 1 लाख का, 1 करोड़ 14 लाख का, 2 करोड़ 14 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 साल और रुकोगे तो 3 करोड़, 2 साल फिर और रुकोगे तो 4.5 करोड़, 8, 15, और अगर 35 साल दे दोगे तो 63 करोड़। तो बहुत फैंसी लगता है सुनने में कि 63 करोड़। ऑफ कोर्स 35 साल तो कोई नहीं देना चाहेगा, 20 साल तो मैं मानूंगा कि 15 से 20 साल हम दे सकते हैं। देखो अगर हमें फॉर्च्यून बनाना है तो अभी से उसके लिए हमें क्या है, पौध बीज लगाना पड़ेगा, पानी उसको हर महीने देना पड़ेगा, 10-10 हज़ार रुपये का पानी हर महीने लगेगा उस पेड़ पौधे को, और वो अगले 20 साल में आपको 3 करोड़ रुपए दे देगा। ठीक है, अब स्टॉक कौन सा है, तो स्टॉक की मैं बात बता देता हूँ, दैट इज एशियन पेंट्स, सबसे बेस्ट, और जो मैं पर्सनली भी होल्ड कर रहा हूँ एशियन पेंट्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एशियन पेंट्स को क्या है, अगर ग्राफ देखोगे तो पिछले 1 साल से साइडवेज में है ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसे मैं ये आपको बता देता हूँ। देखो 22% रिटर्न मिला है यहाँ पे, ठीक है, 2018 मार्च 5 से 31 दिसंबर तक। ठीक है, फिर जनवरी से दिसंबर तक 1 साल में 24% रिटर्न, फिर यहाँ पे जनवरी से अगले दिसंबर यानी कि 2020 में 54% रिटर्न, और फिर जनवरी दिसंबर यानी कि पूरे 2021 में 18% रिटर्न। फिर अभी क्या हुआ है, 2022 में कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। मैं मानता हूँ कि 2022 में कोई भी रिटर्न नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि ऑन एन एवरेज मैंने 20% बोला, यहाँ पे 22 मिला है, 2019 में 20 की जगह 24 मिला है, 2020 में 20% की जगह सीधा 54 मिला है, मतलब कि 2.5 गुना सीधा, 1.5 गुना ज्यादा मतलब मिल गया। ठीक है, तो ये कवर कर गया यहाँ पे अगर, और फिर अगले बार 18 मिला, 18.9219 मिला। ठीक है, तो अगली बार क्या हुआ, 13% माइनस, लेकिन आप खुद सोचो कि यहाँ पे जितना परसेंटेज दिया है उसके हिसाब से माइनस कुछ भी नहीं है, और अभी ये हिस्ट्री बता रहा हूँ। ठीक है, और मैक्स में करके देख लेते हैं, और देखना है तो भाई यहाँ पे 1519 तक के बीच में देखो 80% का रिटर्न है। ठीक है, और 2010 से 2014 के बीच में 190% का रिटर्न। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एशियन पेंट्स। इसके बाद आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जा सकते हो, रिलायंस के साथ। तो एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड रिलायंस, तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो आप बिल्कुल हर महीने आप अपने 10,000 रुपये रिस्क फ्री पे डाल सकते हो। और इसके बाद जो डिविडेंड की इनकम है वो आपकी पूरी अलग हो जाएगी, यानी कि आप जो डिविडेंड में पैसा कमाओगे वो पूरा अलग रहेगा, वो तो आपको अलग से ही मिलेगा, यानी कि वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ ट्रेडर्स यू कैन मेक अ वेरी गुड अमाउंट, वेरी हैंडसम अमाउंट आफ्टर द 15 और 20 ईयर्स। बट जितना सुनने में ये फैंसी लगता है उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि जैसे मेरी अभी SIPs चल रही हैं, तो बीच बीच में क्या होता है कि मैं भूल जाता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि यार इस महीने रहने देता हूँ, अगले महीने कर दूंगा, कुछ रीज़न है इमरजेंसी है फंड्स की, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हमें पहले अपने इनकम ऑफ सोर्सेज को स्टेबल करना पड़ेगा कि हम हर महीने एक पर्टिकुलर जो अमाउंट हम डिसाइड कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, उससे 5 गुना ज़्यादा हम अर्न भी कर पाएँ, तभी हम वो अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इसके जो आइडियाज़ हैं, अब मुझे वीडियोस, अगली वीडियो इसी के रिगार्डिंग बनानी ही है, क्योंकि मैंने ये तो बोल दिया 10,000 रुपये हर महीने डालना है, लेकिन अब ये बताओ भी तो भाई कि वो 10,000 रुपये हम लाएँ कहाँ से। ठीक है, एज अ स्टूडेंट मेरी वीडियोस जो देखते हैं वो ज़्यादा टीनेजर ही हैं, 20s की एज में है,
कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है। अब 15,000 की सैलरी में थोड़ी ना 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे 20-25 हज़ार रुपये भी बना सकते हो, लेकिन मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा उसके। में भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपने आज शुरू की एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग और 2 दिन में पैसा आने लगा, नहीं। उसके लिए भी 6 महीने, 1 साल 2 साल लगेगा, लेकिन वो 1 साल 2 साल आपको पूरी लाइफ के लिए फ्री कर देगा। स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार, अगले साल वो 40,000 होगा, फिर 50। तो इस तरीके से आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो इसके ऊपर भी मैं वीडियोस रेडी करूंगा ट्रेडर्स। और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल वे, आई एम नॉट जोकिंग, एंड दिस चार्ट इज नॉट जोकिंग, दिस इज द प्रैक्टिकल वे टू मेक अ वेरी हैंडसम अमाउंट इन द और दिस अमाउंट रियली, जो हम SIP करने जा रहे हैं, ये हमारी सचमुच में जो हमारा ड्रीम है, कि सबका ड्रीम होता है 1 करोड़ तो कमाने हैं, 1 करोड़ तो कमाने हैं, तो ये कर सकता है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से करेगा जैसा अभी प्लान मैंने बताया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स में भी आप जा सकते हो ऑफकोर्स, बट म्यूचुअल फंड्स आई विल से कि बहुत कम रिटर्न प्रोवाइड करता है। देखो, कंपनी अच्छा कमाती है, उसके सामने इन्वेस्टर्स को कम रिटर्न आता है। इससे बेटर है आप उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो जिसमें म्यूचुअल फंड्स को डालना है। अब इतना डेटा हमारे पास भी है, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, ग्रो पे ही आप देख लेना, नीचे होल्डिंग्स में दिखाता है कि कौन कौन से स्टॉक्स में इन्होंने पैसा डाला है। तो आप खुद सोचो कि ऑन एन एवरेज अगर वो 20% कमा रहे हैं साल का, तो इन्वेस्टर्स को 14% 12% देंगे। तो बेटर है कि आप उन्हीं स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो। ऑफकोर्स रिस्क रहेगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में डालो, एशियन पेंट्स, HUL, जो कि स्टेबल है, जो हमेशा चलने वाली कंपनीज है, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।